जय स्वामी नारायण। प्रमुख स्वामी महाराज जन्म जयंती महोत्सव में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय संस्कृति की एक अनूठी पहचान है मंदिर। मंदिर है संस्कृति का आधार स्तंभ। आइए मंदिर के इस महत्व एवं इतिहास को जाने एक पूजक तथा रोमांचक प्रस्तुति द्वारा। अभिरत बहते
वायु तत्व का प्रतीक बनकर फहरती है मंदिर की ध्वजा। सृष्टि के बाग में खिलते फूलों की नजाकत पाई जाती है मंदिर की कलात्मक नक्काशी में। ब्रह्मांड के छत्र का अनुभव मिलता है मंदिर के गुंबज तले। सूर्य का तेज तत्व चमकता है मंदिर की आरती में। सकल सृष्टि के सार रूप परमात्मा के दर्शन होते हैं सिंहासन में विराजित मूर्ति में। प्रकृति की निगुण शांति देता है मंदिर का मंडप। अन्य सभी आवास को दबाकर गरज की बिजली की तरह गूंजता है मंदिर का घंटनाद। सभी दिशाओं से शुभ विचारों के उदयमय का प्रतीक बनते हैं मंदिर के गवाक्ष। इस प्रकार शुरू हुई मंदिरों के द्वारा परमात्मा की भक्ति उपासना करने की विलक्षण परंपरा। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने मंदिर निर्माण की इस परंपरा को और भी संवर्धित किया। उन्होंने देश विदेशों में 1100 से भी अधिक भव्य मंदिरों का निर्माण करके इस परंपरा को पूरे विश्व में फैलाया। દિવસનો અને આપણે જે કાર્યો કરીએ છીએ એમાંથી કંઈ અશાંતિ હોય તો ભગવાન પાસે જવાથી શાંતિ પ્રાપ્ત થાય। ભગવાનની પાસે શાંતિ અને સુખ બે છે અને આપણું મન પણ સ્થિર થાય। समस्याओं से त्रस्त और अशांत इंसान यहां शांति प्राप्त करता है।
तुम्हें मेरी चुंगाल से कोई नहीं छुड़ा सकता। જીવન બદલાઈ ગયું છે, અત્યારે હું સન્માન પૂર્વક નું નિર્વ્યસન જીવન જીવી રહ્યો છું, મારા નવા જીવન નો તમામ શ્રેય હું મંદિર ને આપું છું। एकता का प्रतीक है, वह टूटते हुए परिवारों को जोड़कर समाज में संवादिता बनाए रखता है। बात का बतंगर तो तुम बना रहे हो, एक बात कान खोलकर सुनो भैया, इस घर में अब तुम्हारी हुक्मशाही नहीं चलेगी। और तुम्हारी रोज रोज की शिकायतों से सभी प्रॉब्लम की जड़ में, और आप क्या दूध से घुले हो? મારે અને મારા પત્ની વચ્ચે પહેલા ઘણા ઝઘડા થતા હતા, અને મમ્મી અને મારા પત્નીને પણ ઘણા ઝઘડા થતા હતા। અમે ઝઘડા લેવલે પહોંચતા કે રાત્રે 2 વાગે હું સસરાને ફોન કરીને કહેતો કે તમારા દીકરાને તમે લઈ જાઓ। મને મારા ભાઈ પ્રત્યે બહુ ઈર્ષા થતી, અમારા બંને વચ્ચે બહુ લડાઈ ઝઘડા થતા। એક વખત તો મમ્મીને મેં ગુસ્સામાં એવું પણ કહી દીધું કે મમ્મી, આના કરતા તે એક છોકરાને જન્મ આપ્યો તો સારું હતું। મારા અને મારા પતિ વચ્ચે એટલે બધા ઝઘડા થતા હતા કે રોજ રોજના ઝઘડાથી કંટાળીને મેં એકવાર આત્મહત્યાનો પ્રયાસ પણ કરેલો। મારા અને મારા પપ્પા વચ્ચે 36 નો આંકડો હતો, અમારો કોઈ વિચારો મળે જ નહીં। રવિવારનો દિવસ હોય તો મમ્મી થોડા ટેન્શનમાં હોય કે આ બે ભેગા થશે તો ચોક્કસ બાદ છે જ। મારો દીકરો ખરાબ સંગતના કારણે વ્યસનના રવાડે ચડી ગયો હતો, રાત્રે ગમે ત્યાં જાય, ગમે તે કરે, ક્યારે આવે, શું કરે એ અમને ક્યાંય કહેતો નહોતો। પછી અમને સત્સંગ થયો, રવિવારે રવિ સભામાં મંદિરે આવતા થયા, ઘરમાં ઘર સભા ચાલુ કરી, પછી અમે મંદિરે આવતા થયા અને અમે ઘર સભા ચાલુ કરી, પછી અમે ઘર સભાની શરૂઆત કરી મંદિરે રવિ સભામાં આવતો, જેનાથી અમારા પ્રશ્નો સમાધાન મળ્યા, સ્તંભ વધ્યો। અત્યારે ઘરમાં છેલ્લા 4 વર્ષથી કોઈ ઉચ્ચાવાજે બોલ્યું પણ નથી, અને ઘરમાં એક મંદિર જેવું વાતાવરણ થઈ ગયું છે। અમે હવે એકબીજાના વિચારોને માન આપીએ છીએ। છેલ્લા 1.5 વર્ષથી મારા અને પપ્પા વચ્ચે કોઈ દર્શન થયું જ નથી। 11 વર્ષથી અમારા ઘરમાં એક પણ જવાનું થતું નથી। મને મારા ભાઈ પ્રત્યે જે લાગણી અને પ્રેમ ન હતો એ લાગણી અને પ્રેમ બન્યું, અને મારા મમ્મી પપ્પા પ્રત્યે પણ મને પ્રેમ થયો। એના વ્યસનો દૂર થતા ગયા, એને સોબતો સારી થતી ગઈ, અને અત્યારે ઘરમાં એકદમ શાંતિ ભર્યું વાતાવરણ છે। Thank you.
सेवा का स्रोत है, जहां से जन सेवा की पवित्र भागीरथी निरंतर बहती रहती है। हजारों लोग मारे गए, बेघर और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए कई सेवाभावी संस्थाओं ने हाथ बटाया। पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की आज्ञा से बीएपीएस मंदिर के संतों तथा स्वयं सेवकों ने भी वहां पहुंचकर सेवा कार्य शुरू कर दिया था। उनके द्वारा लोगों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की गई, कीचड़ से भरी गलियों को साफ किया गया, बीमारों के लिए डॉक्टर और दवाइयों का प्रबंध किया गया, राजकोट और गोंजल में बेघर लोगों के लिए आश्रय स्थान बनाए गए। 50 दिनों तक इन स्वयं सेवकों ने जी जान लगाकर सेवा की और इसी दौरान पता नहीं खुदा ताला की क्या मर्जी है, अगले हफ्ते ईद है और शहर की हालत तो देखो, ऐसी हालत में ईद कैसे मनाएंगे? मुझे भी इसी बात की फिक्र हो रही है। अरे रास्ते तो ठीक, हमारे मस्जिदों में भी कीचड़ भरा पड़ा है। ईद मनाने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए ना, और शायद जगह मिल भी जाए तो करेंगे क्या, कुछ बचा भी तो नहीं है हमारे पास। यहाँ परवरदिगार अब तू ही एक सहारा है। आप सबकी तारीफ। जी हम अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर के स्वयं सेवक हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने हमें यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते ईद का त्योहार है, तो जाओ और जितनी भी मस्जिदों में कीचड़ भरा है उन सबको साफ कर दो, ताकि मुसलमान भाई अच्छी तरह से ईद मना सके। शुक्रिया मेरे भाइयों, शुक्रिया। आइए दीपक भाई, यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ हाँ चलो। जनवरी 2001 कुछ सुबह 9 बजे इस भयानक भूकंप ने शहर के सैकड़ों मकानों
तथा आसपास के कई गांवों को मिट्टी में मिला दिया था। उस दिन भूकंप के बाद केवल 3 घंटों में ही भूकंप पीड़ितों को सबसे पहले गर्मा गर्म भोजन परोसा था। बीएपीएस मंदिर के संतों और स्वयं सेवकों ने પુનઃનિર્માણ કરવામાં આવ્યું। એટલું જ નહીં, ભૂકંપ દરમિયાન બાળકો અભ્યાસથી વંચિત ન રહે એ માટે ટ્યુશન ક્લાસીસો પણ શરૂ કરવામાં આવ્યા। દરેકને પોતાના રોજગાર પ્રમાણે સાધનો આપ્યા, અને એ તો અમે નજરે જોયું કે સંતો અને સ્વયંસેવકો રાતના 2-3-4 વાગ્યા સુધી જાગીને આ ભૂકંપગ્રસ્તોની સાથે એ દોડતા। મંદિર ભક્તિ ઓર ઉપાસના કા કેન્દ્ર હે। मंदिर के द्वारा आदर्श भक्त बनकर भगवान की उपासना करने की रीति पुरातन काल से चली आ रही है। Oh, 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 oh
और संवादिता की ज्योति आज भी जल रही है प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज के द्वारा। कचड़िया YouTube चैनल प्लीज प्रोवाइड योर लाइक कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब तुषार कचड़िया YouTube चैनल।